हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो आखिरकार विकास दुबे पकड़ा गया, लेकिन खबर यह है कि अब राजनीति इस पर शुरू हो गई है, सियासत तेज हो गई है। प्रियंका गांधी ने कहा सीबीआई की जांच कीजिए, उसके बाद प्रमोद तिवारी कांग्रेस के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि ये गिरफ्तारी तो है ही नहीं, ये तो मिली भगत है, बीजेपी सरकार की मिली भगत है, और इसीलिए सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स की बात कही जा रही है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, प्रमोद तिवारी हो या प्रियंका गांधी। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रमोद तिवारी। आखिरकार 8 बहादुर पुलिस अधिकारियों का वध करने वाले, नृशंस हत्या करने वाले, जो एक दुर्दांत अपराधी था, विकास इस समय तो पुलिस हिरासत में मध्य प्रदेश। निश्चित रूप से उसे भारत के कानून के हिसाब से बड़ी सी बड़ी और कड़ी सी कड़ी सजा दी जानी चाहिए, पर एक सवाल मन में बहुत कौंधे बहुत दिनों तक कि 7 दिन वो उत्तर प्रदेश में 2 दिन रहा, भाजपा की सरकार, फरीदाबाद में देखा गया वहां भी रहा होगा भाजपा की सरकार, और उज्जैन में जहां उसने अपनी गिरफ्तारी दी वहां भी भाजपा की सरकार है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां हैं वहीं किसी कुख्यात अपराधी को सेफ पैसेज नजर आया? जब 2 दिन वो स्योली में रहा था, कानपुर में, कैसे नहीं गिरफ्तार हुआ? जब वो उत्तर प्रदेश की सीमा पार करके हरियाणा गया होगा, कैसे गया? हरियाणा से जब मध्य प्रदेश पहुंचा, और मध्य प्रदेश चाहे जितनी बहादुरी की बातें करे पुलिस, और ये भी सच है कि 10 घंटे उनके यहां यात्रा करके उज्जैन पहुंचा है वो, आत्मसमर्पण के पहले किस अंदाज से किया। अरे सभी जानते हैं कि उज्जैन के कदम कदम पर सीसीटीवी कैमरा है। मैं गया हूं महाकाल मंदिर, वहां जाके इसने किया, और चिल्ला रहा है मैं विकास दुबे कानपुर का हूं, और गिरफ्तार भी कौन कर रहे हैं इतने दुर्दांत अपराधी को, 3-4 सिपाही कुल मिलाकर, इसमें कोई दो राय नहीं। काश उत्तर प्रदेश पुलिस इसे पकड़ती तो हमारे शहीद परिवारों को ज्यादा शान। 2 चीजें मांगी है, एक तो ये बताया कि आत्मसमर्पण था या फिर गिरफ्तारी थी, और दूसरा ये कि इसने आखिरी टाइम में किस किस से बात की, किस फोन नंबर के जरिए ये लोगों से जुड़ा रहा और किन लोगों से जुड़ा रहा, जरा ये पब्लिक में रख दिया जाए ताकि पता लगेगा कि ये क्या खेल चल रहा है। संजय त्रिपाठी मेरे सहयोगी मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। संजय, अब तो सियासत इस पर तेज हो गई है, पहले कहा गया कि ये तो फोन पर, माफ कीजिएगा, कानपुर में आप इस वक्त मौजूद है, पहले कहा गया कि ये तो फोन इस्तेमाल ही नहीं करता है, अब कहा जा रहा है कि नहीं फोन डिटेल्स जो हैं वो पब्लिक के सामने आए, फिर एक सीबीआई जांच की बात कर रहा है, दूसरा कह रहा है कि नहीं पक्का मिली भगत है। देखिए रुकिया, राजनीतिक दलों को तो मौका चाहिए था और वो मौका उनके हाथ में लग गया है। पहले दिन से ही जब बिकरू हत्याकांड हुआ था उस दिन से ही जो भी विपक्षी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, लगातार इस घटना की निंदा कर रहे थे, साथ ही साथ सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिरकार विकास दुबे का के भीतर इतना दुस्साहस कैसे आया कि वो पुलिस कर्मियों पर गोली चलाए, और आज जब वो एक नाटकीय ढंग से गिरफ्तार होता है उज्जैन में, तब भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है कि ये गिरफ्तारी है या फिर सरेंडर है, इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, इसकी कॉल डिटेल निकाल करके इसके कनेक्शंस सार्वजनिक किए जाए। आपने देखा होगा रूपका, एबीपी न्यूज पे ऐसी तमाम सारी खबरें भी चली हैं जिसमें साफ तौर पर सियासी दलों के बड़े बड़े रसूखदार नेताओं के साथ में विकास दुबे के तमाम फोटो वायरल हुए हैं, तमाम वीडियो उनके साथ देखने को मिले हैं, तो संरक्षण कहीं ना कहीं प्राप्त था। आपने तो इसकी लेटेस्ट तस्वीरें देखी होंगी, आपके सूत्र वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे होंगे, एक वीडियो है जिसमें ये बहुत इत्मीनान से, और वहां कोई पुलिसकर्मी एकाध है जो दिखाई दे रहा है, बाकी तो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड दिखाई दे रहे हैं मंदिर प्रांगण में। अगर ये गिरफ्तारी थी तो ये भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा था, क्यों ये इत्मीनान से चलता हुआ दिखाई दे रहा है? भाई इन सारे सवालों के जवाब तो देने ही होंगे ना एमपी पुलिस को। बिल्कुल देने होंगे रूप का। देखिए राजू खुल्लर एक कड़ी है इसमें, जो विकास दुबे का साला है,
वो मध्य प्रदेश का रहने वाला है और परसों उसको शहडोल से पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ की है। माना यह जा रहा है कि राजू खुल्लर जो पहले कानपुर के शास्त्री नगर इलाके का रहने वाला था वो वहां कई आपराधिक वारदातों को अंजाम देता रहा है, साथ ही साथ उसका अपना भी वहां पर कुछ व्यवसाय है, कनेक्शंस हैं, तो कहीं ना कहीं विकास दुबे उन कनेक्शंस का फायदा लेते हुए सरेंडर करने की फिराक में था और इसी कारण से वो उज्जैन महाकाल मंदिर में गया था और वहां उसने नाम विकास दुबे ही लिखवाया है। जो पर्ची है उस पर साफ तौर पर नाम विकास दुबे लिखा है, मतलब पूरा प्लानिंग थी ना, यानी स्ट्रेटजी के साथ वो वहां पर गया था। एब्सोल्युटली मैं संजय आपको इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि ये बात सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कह रही है। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर शहीद डीएसपी देवेंद्र मिश्रा के परिवार ने भी बड़ा आरोप लगाया है और आरोप ये है कि गिरफ्तारी विकास दुबे को बचाने के लिए की गई है। संजय त्रिपाठी जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहे थे, उन्होंने ही कमलकांत दुबे जो कि रिश्तेदार हैं विकास दुबे के, उनसे माफ कीजिएगा शहीद सीओ के, उनसे बात की। कहानी खत्म नहीं हुई है, विकास के पकड़े जाने के बाद अब कहानी शुरू होगी। देखिए क्या आपको नहीं लगता कि जो कल फरीदाबाद में देखा गया था 12 घंटे का रास्ता है वहां से उज्जैन पहुंचने के लिए, सुरक्षित वो महाकाल के मंदिर में पहुंच जाता है और जिस ढंग से उसकी गिरफ्तारी हुई है, क्या आपको नहीं लगता कि सरपरस्ती अभी बरकरार है? देखिए इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, श्री देवेंद्र मिश्रा और हमारे 8 पुलिस वाले भाइयों का जो खून हुआ है, जो हत्या बर्बर हुई है, वो एक विकास पांडे ने भर विकास दुबे ने भर अकेले भी नहीं की है या उसकी गैंग ने नहीं की है, उसके सरपरस्त इस हत्या में बराबर के शरीक थे जिन्होंने जो अब तक उसको बचाते रहे और उन्हीं की सलाह पे उसने सरेंडर किया है। इसको मैं पकड़ना नहीं कहूंगा, मीडिया वालों को बुला करके कोई ऐसे काम करता है? उसको मौत से बचाया गया है और उसे विश्वास था कि मेरे निकलने के बाद भी मुझे बचा लिया जाएगा। मतलब आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं उसके जो तार हैं वो अभी भी बरकरार है, नेटवर्क सक्रिय है, वरना इतनी सारे राज्यों की पुलिस अलर्ट होते हुए, सारी एसटीएफ होते हुए, सब कुछ होते हुए एक आदमी जाके महाकाल मंदिर में दर्शन की टिकट कटवा रहा है, कहां थे सब लोग? और उसके बाद गार्ड फोन कर रहा है और जो पुलिस पकड़ने पहुंच रही है वो मीडिया वालों को लेके पकड़ने पहुंच रही है। ऐसी होता है, ऐसी होती है गिरफ्तारी ऐसे दुर्दांत एनकाउंटर करने वालों की। ये सुना आपने, कमलकांत सीधे तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि मिली भगत है, सीधे तौर पर मिली भगत है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है। एक और बड़ी खबर आ रही है विकास दुबे की गिरफ्तारी पर, यह बड़ी खबर है कि उसने पहले महाकाल के दर्शन किए और उसके बाद गिरफ्तार हुआ, यानी वो पहले पहुंचा जैसा उसकी माँ बता रही थी कि हर साल सावन के महीने में पहुंचता है दर्शन के लिए, श्रृंगार करता है बकायदा, तो महाकाल का दर्शन किया, महाकाल के दर्शन के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अब ये बताइए कि एक शख्स जो इधर से उधर भाग रहा है, एक अपराधी जिसकी धरपकड़ के लिए 10 राज्यों की पुलिस लगी हुई है, वो वहां इत्मीनान से दर्शन कैसे कर सकता है? या फिर उसने पुलिस से पहले वक्त मांगा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, दर्शन करूंगा और फिर आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिएगा? ये वो तमाम सवाल है जिनका जवाब एमपी पुलिस को देना होगा। हम इस वक्त जो है इंतजार कर रहे हैं कि हमारे साथी हमारे साथ जुड़े, हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े और इस पर जानकारी दे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई, उससे पहले उसने महाकाल के दर्शन कर लिए, पहले वो गया, उसने अपनी गलत आईडी दी, सुबह सवेरे वो पहुंच गया महाकाल के दर्शन के लिए, वहां गेट पर उसने अपनी एक गलत आईडी दी, फिर वो अंदर गया लेकिन पर्ची जो कटवाई उसने अपने नाम की पर्ची कटवाई, क्योंकि वो ये जानता था कि मंदिर प्रांगण में किसी तरह का कोई एनकाउंटर नहीं होगा, वो ये जानता था कि जिस मंदिर में वो दर्शन के लिए जा रहा है वहां महाकाल विराजते हैं और महाकाल अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति देते हैं, मुक्त करवाते हैं। ये कॉन्फिडेंस था विकास दुबे का, वो वहां पर रहा, उसने दर्शन किए और उसके बाद पुलिस ने इसे पकड़ा है और इसीलिए अखिलेश यादव का ये सवाल जायज हो जाता है कि उसने आत्मसमर्पण किया या फिर पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। अगर आत्मसमर्पण है तो फिर आप समझ लीजिए उसने पहले दर्शन किया और फिर वो आत्मसमर्पण करने के लिए गया, लेकिन अगर अरेस्ट है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो दर्शन करे और पुलिस वहां पर रुके इंतजार करे, वो भी दुर्दांत अपराधी के जिसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की। बहुत से अभी पेज है जिनको खुलना बाकी है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं, छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़। 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा विकास जो है वो आज पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। इस खबर से
शहीद पुलिसकर्मियों के घर वालों को इंसाफ मिलने की उम्मीद जो है वो बढ़ गई है। प्रतापगढ़ से इसीलिए देखिए एबीपी न्यूज ने ये वादा किया था और लगातार ये मुहिम थी कि जो आज शहीद पुलिसकर्मी हैं, एक सेकंड मैं आपको रोक रही हूँ, कोई छूटता नहीं आज शुभकामनाएं के लिए, क्योंकि जान भोले बाबा ने बचाई, हम उन पर छोड़े हैं बस, वो उन्होंने जान बचाई और वही उनको बचाएंगे। ना हमने ये कहा ना कि मार दिया जाए, जब नहीं मिलेगा, मैंने कहा था कि जो नहीं मिले हाजिर होगा, मैंने ये भी शब्द कहा था, तो काउंटर तो फिर करेगा अचानक उनकी मिलेगा। अब जो वो समर्पण कर दिया उसने, तो उसे भोले बाबा ने बचाया। सरकार से क्या कहना चाहती, जिस तरह से सरकार से समर्पण किया है, अब सरकार जन मनाया तो करिए, हम भाई नहीं जानते, हमें तो उनके निरे आज उनकी औरत औरत पूछ हो जाए। छोटे बेटे ने कुछ किया ही नहीं, छोटे बेटा 4 महीना तो मेरी सेवा यहीं कर रहा है, मार्च से आया, टूटी हड्डी मेरी, टांग टूट गई तो यहीं से ये क्रेक हो गई, एक्सरा वगैरह सब रखे, दिखाए तुमको है? छोटे मतलब और भी जो लोग हैं जो एनकाउंटर में पुलिस मार रही है, जैसे अमर तो, है, तो हम ये सब लोग जो साथ में रहते थे विकास के, हाँ गांव के हैं भैया, हुए तो उन्हें कौन नहीं जानी है, ये गांव के हैं, हाँ गांव के हैं, तो कह रही है कि ये सब इनके साथ गैंग था और डकैती डालते थे, वो कहता है डकैती डाल, पुलिस बता रही है कि अमर तुम्हें उनका दाहिना हाथ था, गनर था, बंदूक, जो कुछ बताए जी भैया, हम दुनिया के मैं मेरा लड़का मेरा बेटा कभी डकैती नहीं डाली है, न कोई गरीब घर का था, तो मुकदमा वो पुलिस और नेता खूंटा सब उनको बढ़ाया और नेता नगरी करवाई, हरे हर हर मारने वाला विकास दुबे को संतोष शुक्ला ने मारा, संतोष शुक्ला का मारा था उन्होंने तब, जब उसने 3 बार मेरे बेटे पर बम डरवाई थी, हाँ वो दुश्मन नहीं है, वो दुश्मन नहीं है, हमें कुछ नहीं मालूम, हमें लगवाया था, उसने पहना था, कोई ताबीज लगवाया था, संतोष अब जाने देखा गले में कुछ नहीं पहने हैं, हाथ में कोई ताबीज सोवन सरकार ने बंधवा था, सोवन के दर्शन करने जाते थे, ये मालूम हम भी जाते हैं सोवन सरकार में, तो दर्शन ताबीज बनवा दिया था कि कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी ना, ये तो जो वहाँ माँ के महाकालेश्वर जाते हैं सबके लिए वो लोग कहते हैं कि मंदिर वाले कि जब अकाल मृत्यु नहीं होती है, जो महाकालेश्वर हर साल वो चढ़वाता है वो करवाता है श्रृंगार, कल तक तो आपको एनकाउंटर का डर रहा होगा कि बेटा तुम्हें एनकाउंटर में, अब आज वो तो कर सकते, हाँ समर्पण, जब उसने समर्पण कर दिया, हाँ सजा मिले और जिंदा जीवन भर चाहे जेल में डर हो रहा है, लेकिन सजा वो सरकार करेगी, हम वो जिंदगी रहेगा जेल में रहेगा, जो उसने किया जो जुल्म किया तो मिलेगा, अब हम कुछ नहीं कहेंगे। ये विकास दुबे की माँ है सरला देवी, जिन्होंने विकास दुबे की माँ सरला देवी को इस वक्त आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा महाकाल ने बचाया है, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा डकैती नहीं डाल सकता, उन्होंने कहा कि जो उसने किया है उसकी सजा उसे मिले, लेकिन अब तो आत्मसमर्पण कर लिया है, आत्मसमर्पण कर लिया है तो उसे मारा ना जाए, आजीवन आप जेल में रखिए, फिर उसके बाद क्या कहा सरला देवी ने कि उसे बढ़ाया किसने, इन्हीं पुलिस वालों ने बढ़ाया, इन्हीं नेताओं ने बढ़ाया। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, सियासत तेज हो गई है, आत्मसमर्पण किया है कि गिरफ्तारी हुई है ये अब बताना बाकी है मध्य प्रदेश पुलिस को।